एस न्यूज। सवाल क्षेत्र के गांव एवं थाना मिलक खानम अड्डे पर ओमपाल की मटन शॉप की दुकान है, जहां पर मुस्तफाबाद कोल निवासी 35 वर्षीय कन्नू पुत्र शेर सिंह ओमपाल सिंह की मटन शॉप की दुकान पर कारीगरी कर मीट की बिक्री करता था। इसके अलावा संतोष कुमार ठाकुर पुत्र दिलीप कुमार ठाकुर निवासी महाराष्ट्र भी ओमपाल की दुकान पर कारीगरी का काम करके बकरे के मीट की बिक्री करता था। दुकान के सामने ही मिलक खानम निवासी शमशेर सिंह का होटल भी है। शमशेर सिंह शुक्रवार की शाम को कन्नू से मीट लेने गया था। इसी दौरान कन्नू व शमशेर सिंह की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर शमशेर सिंह ने कन्नू को चाटा चढ़ दिया। उसके बाद मौजूद ग्रामीणों एवं दुकानदारों ने मामले को रफा दफा कर दिया। शमशेर सिंह से कहासुनी होने के बाद ओमपाल की दुकान पर कार्यरत दोनों कारीगर संतोष व कन्नू सोने के लिए चले गए। शाम का खाना खाने के बाद दोनों कारीगर दुकान में सो गए। इसी दौरान शुक्रवार की रात तकरीबन 2 बजे कन्नू की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। सुबह होने पर देखा तो कन्नू खून से लथपथ दुकान में पड़ा हुआ था। मर्डर की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर मृतक के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंच गए। मृतक के भाई वीर सिंह की ओर से 3 लोगों के खिलाफ मिलक खानम पुलिस को तहरीर दी गई है। घटना की सूचना पर जिलाधिकारी महेंद्र भादो सिंह, पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा, एडिशनल SP सुधा सिंह ने घटना स्थल का मौके पर मुआयना किया, साथ ही जल्द ही जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी संतोष व मिलक खानम क्षेत्रांतर्गत शादीनगर हजीरा निवासी दलित पुत्र दोलीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ शिव कुमार चौधरी एवं उनकी टीम प्रिंस कुमार राजेश कुमार के खून के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है। वही मृतक की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। मृतक के 4 बच्चे हैं जिनका रो रोकर बुरा हाल है। अब वह यही कह रहे हैं कि अब हमें कौन खिलाएगा। ये जानकारी हुई है कि ये लड़का इस पे ओमपाल का होटल है वहाँ पर काम करता था। उससे पहले ये जो प्रधान रिसोर्ट है सेरा का, इसके होटल पर काम करता था। तो ये वहाँ से हट करके ओमपाल के होटल पर आ गया। जब ओमपाल के होटल पर आ गया, ओमपाल के होटल पर आने के बाद इसने उससे अपने मजदूरी के पैसे मांगे। जब इसने अपने मजदूरी के पैसे मांगे तो इसने उसको रात लगभग 10 बजे काफ़ी पीटा, और पीटने के बाद में ये जो है वहीं होटल पर सोता है सेरा और इसका नौकर। ओमपाल के होटल पर ओमपाल का नौकर है एक, जो कारीगर है संतोष ठाकुर, ये सोता है। रात को लगभग 1:30 बजे इसकी गला रेत करके हत्या कर दी। ये पता चला है कि इसके जो भाई लोग बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने इसकी हत्या करी। मुकदमा दर्ज हुआ, कोई पकड़ा? FIR दर्ज हो गई है, 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है, 1 जो है अभी गिरफ्त से बाहर। पुरुष की एक हत्या हो गई है जिसमें जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और थाना अध्यक्ष के द्वारा अग्रिम जो कार्रवाई है, साक्ष्य संकलन और अन्य कार्रवाई, वो की जा रही है। हत्या की वजह क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसा उन लोगों ने लिखा है तहरीर में, जिस तरह से आया है कि कल शाम को उसकी कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था, तो इन लोगों ने जो वादी के जो मृतक के घर वाले हैं उन्होंने उन्हीं पर शंका जाहिर करते हुए उनको नामजद किया है। किस चीज़ से हत्या हुई है अभी ये भी नहीं जानकारी है, लेकिन जितना उसकी स्थिति देखने से लग रहा है कोई शार्प वेपन से उसकी हत्या की गई है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएंगी।